नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। वीडियो में दिखाई दे रहा ये नजारा रेडफोर्ट का है, जहां पर 26 जनवरी के दिन कुछ बदमाशों ने तिरंगे को उतार कर खालिस्तानियों का झंडा फहरा दिया। आखिर ये लोग है कौन? इन्होंने हमारे पत्रकारों से भी दुर्व्यवहार किया और किसान आंदोलन में मोदी मुर्दाबाद के नारे। संचार न्यूज के साथ मैं कृष्ण शेखर, इस टाइम हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर और कुछ किसान साथी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं उनका कब तक ये आंदोलन चलेगा। हेलो, ये आंदोलन आप कब तक जारी रखेंगे? हम तो रखेंगे इसको, इतना नहीं मारी मांग पूरी नहीं होगी इतना हम रखेंगे। गणतंत्र दिवस पर पहले सुबह जवानों ने परेड करी, अब किसान परेड कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बढ़िया हो रहा है, हम महसूस बढ़िया हो रहा है हमको। ये मांग सिर्फ आपके किस उद्देश्य के लिए है? ये हमारे किसान, ये हमारे किसान वापस कानून वापस करा के जाएंगे, ले जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में आपको कोई सर्दी गर्मी? हमें कोई सर्दी लग रही है, हमें अपने कानून वापस कराने हैं और करा के रहेंगे। हमें यहाँ पे 6 बजे रुकना पड़ता, रुकेंगे हम यहाँ पे। मोदी ये काले कानून वापिस ले ले, लादरी खाट खड़ी करने हाथ तेरा जमाई आ गया है, लड़की के मैं किरा दवा कर लिए, सारे उड़ा रोवी गए दाम क्या तो सुन ले। ये काले कानून वापिस नहीं करे तो नाच भी देना बंद कर जाएंगे हमें। सब मुखा मार मोदी सरकार, मोदी सरकार। तो देखा आपने किस तरीके से ये किसानों की आड़ में कुछ लोगों ने किसान आंदोलन में किस तरीके से मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्या ये किसान आंदोलन है या नहीं, ये तय कीजिए आप और हमें कमेंट बॉक्स पर। टीकरी बॉर्डर से नागलोई तक किसानों का सैलाब उमड़ा पड़ा है और किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारा बिल वापस नहीं लेती, वो चाहे उनको 1 साल का समय लगे या 2 साल का, वो अपने मांगों को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे। और हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।